हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो कंटिन्यूइंग प्रीवियस टॉपिक होम ट्रेड। होम ट्रेड किसका पार्ट बताया था मैंने, कॉमर्स कैन बी डिवाइड टू पार्ट्स, फर्स्ट वन ट्रेड एंड सेकंड वन ट्रेड टू ऑक्सिलरीज। इट मींस उसमें जो उसके बैरियर्स है उसको क्लियर करना है। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, आज हम प्रीवियस टॉपिक के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसको डिफाइन करेंगे। ट्रेड कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, होम ट्रेड फॉरेन ट्रेड। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, होम ट्रेड के बारे में बात करेंगे, देन उसके सब पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। होम ट्रेड मींस व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स टेक प्लेस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, इट इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। जैसे अब मैंने होम कह दिया, होम मीन्स हम लाइक कहते हैं हमारा घर, और इंडिया कहते हैं ना, इंडिया हमारा देश है। तो लाइक जो हमारी बाउंड्रीज, जो इंडिया की बाउंड्रीज की अंडर डीलिंग हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, उसको तो हम होम ट्रेड ट्रीट करते हैं। और जो इंडिया से बाहर लाइक हम फॉरेन कंट्री कहते हैं, वन कंट्री टू अनदर कंट्री में जो डीलिंग हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ओके, तो होम ट्रेड मींस व्हेन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स, जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हो या बेच रहे हो, टेक प्लेस विद इन दी नेशनल बाउंड्रीज। कहाँ प्लेस ले रहे हैं, वो नेशनल बाउंड्रीज में ही प्लेस ले रहे हैं। ओके, इट इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। फर्स्ट वन कैन बी डिवाइडेड टू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड इज़ लिमिटेड टू सम विलेजेस, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। लोकल ट्रेड जो हमारे आसपास के सिटी, गाँव, हमारी आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हो गई, हमारी डिस्ट्रिक्ट हो गई, जैसे रेवाड़ी है, रेवाड़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, तो लाइक उस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, सम विलेजेस में हो रहा है, टाउन में हो रहा है, वो लोकल ट्रेड होता है। दिस ट्रेड इंक्लूड थिंग्स ऑफ डेली यूज़ एंड थिंग्स ऑफ पेरिशेबल नेचर। क्या होती है उसमें, जो भी चीज़ इंक्लूड होती है वो डेली यूज़ की होती हैं जो हम ट्रेड करते हैं, लाइक पेरिशेबल नेचर की, पेरिशेबल नेचर जो एक्चुअल में जल्दी ख़राब हो जाते हैं, विच कैन बी फ्रेश फ्रूट्स, फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल सेक्टर, जो पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जिनकी लाइफ लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो डेली बेसिस के लिए यूज़ होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन स्टेट ट्रेड। व्हेन ए ट्रेडर स्टार्ट ट्रेडिंग अबव द लोकल लेवल एंड ट्रेड्स ऑन द स्टेट लेवल, ऐसे डीलिंग जो हम डीलिंग करते हैं लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ट्रेड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लाइक ट्रेड इन कोन, पल्सेस, एंटेंसिल्स। ओके, ये चीज़ हम क्या करते हैं, स्टेट ट्रेड होता है, स्टेट ट्रेड क्या होता है, सिटी टू सिटी, स्टेट वन स्टेट टू अनदर स्टेट नहीं बोल सकते, डीलिंग विद इन वन स्टेट, जो डीलिंग होती है विद इन वन स्टेट होती है। लाइक क्या है, अब हरियाणा है, हरियाणा में क्या आता है, जो अंबाला है वो भी हरियाणा में आता है, पानीपत है वो भी हरियाणा में आता है, तो इस रीज़न से जो डीलिंग पानीपत टू अंबाला हो रही है वो किस में आएगी, स्टेट ट्रेड में आएगी। ओके, तो लोकल ट्रेड होता है इसमें और स्टेट लेवल ट्रेड होता है। इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होता है, लाइक ट्रेड इन कोन, पल्सेस और इंटरसिटी। इंटर स्टेट ट्रेड, व्हेन ट्रेड इन कैरिड ऑन अमोंग डिफरेंट स्टेट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में जब डीलिंग होती है उसको हम इंटर स्टेट डीलिंग कहते हैं। वन स्टेट टू अनदर स्टेट में जब हम डीलिंग करते हैं, परचेज सेल करते हैं, तो लाइक वो आपकी इंटर स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट वन, हरियाणा ट्रेड्स विद द ट्रेडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। कहाँ का ट्रेडर है, वो उत्तर प्रदेश का है और हरियाणा उससे ट्रेड कर रहा है। तो पंजाब, हिमाचल और एनी अदर स्टेट, पंजाब है, हिमाचल है, वो अनदर स्टेट से डीलिंग कर रहे हैं। तो लाइक एग्जाम्पल हो गया होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। जैसे मैंने पहले ही बताया था होलसेल ट्रेड क्या होता है और रिटेल ट्रेड क्या होता है। होलसेल ट्रेड वो होता है जब जो होलसेलर है वो डायरेक्ट किससे परचेज़ कर रहा है, प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चर्ड कंपनी से, इंडस्ट्री से परचेज़ कर रहा है, और लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, बल्क में होता है, उसको हम कहते हैं होलसेल डीलिंग। तो वो किस चीज़ की डीलिंग करना है, होलसेल डीलिंग कर रहा है, और होलसेल डीलिंग जो होती है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से होती है या प्रोड्यूसर से होती है। एंड रिटेल ट्रेड क्या होता है, रिटेल ट्रेड वो होता है जब जो हमने अपने नियर अराउंड घर के आसपास जो छोटी मोटी शॉप्स होती है वो होती है रिटेल शॉप, वो डायरेक्ट किससे खरीद के लाते हैं, वो होलसेलर से खरीद के लाते हैं, जो लाइक बल्क में जो सामान उन्होंने मैन्युफैक्चर्ड कंपनी से लिया है उनसे आप खरीद के ला रहे हो थोड़ा थोड़ा, तो वो होता है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड हैव बीन शोन एट द एंड ऑफ हेड
होम ट्रेड विच इज़ फॉलोड बाय लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल ट्रेड. ओके, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड हैव बीन शोन एट द एंड ऑफ द हेड. ऐसा नहीं है कि होम ट्रेड है तो होम ट्रेड को आपने डिवाइड कर दिया लोकल लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो आप सोचो कि लोकल लेवल पे होलसेल होता है, रिटेल होता है. नहीं, चाहे होलसेल की कैटेगरी है, रिटेल ट्रेड की कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं होलसेल ट्रेड को भी और रिटेल ट्रेड को भी. दोनों पार्ट को हम इंक्लूड करते हैं तीनों लेवल इनकम, तीनों लेवल ट्रेड में. ओके, तीनों का जो भी लेवल है उस ट्रेड में इंक्लूड होता है होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड. नेक्स्ट वन इज फॉरेन ट्रेड. व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीचेस द फॉरेन लैंड्स, फॉरेन ट्रेड इज बोर्न. ओके, एक्चुअल में फॉरेन ट्रेड क्या होता है? व्हेन द कंडक्ट ऑफ ट्रेड क्रॉसेस द नेशनल बाउंड्रीज, जब हमारी नेशनल बाउंड्रीज को ट्रेड क्रॉस कर जाता है और फॉरेन लैंड मतलब जो फॉरेन में है उस लैंड पर पहुंचता है तो फॉरेन ट्रेड इज बोर्न. तब क्या स्टार्ट होता है? फॉरेन ट्रेड स्टार्ट होता है. ओके, फॉरेन ट्रेड क्या होता है? वन कंट्री टू अनदर कंट्री जब भी डीलिंग होती है उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलते हैं. जब भी जो भी डीलिंग हो रही है परचेज सेल की, वो कहाँ हो रही है? एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रही है, तो उसको हम फॉरेन ट्रेड बोलेंगे. हमारी नेशनल बाउंड्री को उसने क्रॉस कर लिया है. द रीज़न इज सिंपल बिकॉज नो सिंगल कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स इट रिक्वायर. ओके, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, फॉरेन ट्रेड से हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं है कि वो सारी अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर ले, सारी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर ले. इसलिए हमें क्या करना होता है? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना होता है. ये रीज़न है मेन. फर्स्ट वन, इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है? व्हेन ए बिजनेस मैन ऑफ ए कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेस मैन ऑफ अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड. ओके, एक बिजनेस मैन है कंट्री का, बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेस मैन ऑफ अनदर कंट्री, एक कंट्री का बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन को माल बेच रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट करना. लाइक, इंडिया से कहाँ जा रहा है? यूएसए से कहाँ आ रहा है? इंडिया में. तो हम क्या कर रहे हैं? हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. ओके, लाइक क्या है? इंडिया बाय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम ईरान. इंडिया किससे पेट्रोलियम खरीदती है? ईरान से खरीदती है. तो ये क्या हो गया? ईरान आउटसाइड कंट्री है, इंडिया भी एक कंट्री है. तो कंट्री टू अनदर कंट्री में जब आप जाओगे तो वो आपका फॉरेन ट्रेड कहलाएगा, उसको हम इम्पोर्ट ट्रेड कहेंगे. ओके, व्हेन ए बिजनेस मैन ऑफ ए कंट्री बाय सम गुड्स फ्रॉम द बिजनेस मैन ऑफ अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट ट्रेड. एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हेन द ट्रेडर ऑफ वन कंट्री सेल समथिंग टू द ट्रेडर ऑफ अनदर कंट्री इट इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड. ओके, इंडिया सेल कॉटन क्लोथ्स टी जूट एक्सेट्रा टू फॉरेन कंट्रीज. इंडिया क्या कर रही है? कॉटन क्लोथ टी और जूट किसको बेच रही है? टू फॉरेन कंट्रीज. अनदर जो फॉरेन कंट्री है लाइक इंडिया यूएसए को बेच रही है तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट. जब इंडिया का माल दूसरी कंट्री में जाता है तो एक्सपोर्ट कहलाता है और दूसरी कंट्री का माल जब इंडिया में आता है तो वो इम्पोर्ट कहलाता है. ओके, बिल्कुल सिंपल समझेंगे. नेक्स्ट टर्न आती है एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है. व्हेन ए कंट्री इम्पोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, जब एक कंट्री इम्पोर्ट करती है गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री देन एक्सपोर्ट दी सेम गुड्स टू सेम सम थर्ड कंट्री. जब एक कंट्री इम्पोर्ट करती है दूसरी कंट्री से देन एक्सपोर्ट, उसके पास माल आ गया फिर उसको आगे एक्सपोर्ट कर देती है, मतलब वो माल अपने पास ना रख के दूसरी कंट्री को, थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है. लाइक इंग्लैंड इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका. इंग्लैंड किससे माल खरीदता है? साउथ अफ्रीका से, तो वो इम्पोर्ट हो गया एंड एक्सपोर्ट. अब उसके बाद माल आ गया तो अब आगे वो बेचेगा तो वो एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट इट टू अदर यूरोपियन कंट्री. तो इंग्लैंड जो माल आया था अफ्रीका से वो कहाँ भेज देता है? यूरोपियन कंट्री को भेज देता है. तो इस तरह से उसको बोलते हैं एक्सट्री पोर्ट. इम्पोर्ट हो गए, एक्सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और एक्सपोर्ट हो गया देन इम्पोर्ट में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट वन बी पार्ट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड करने के लिए हमें किस किस की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है? अब हमें ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है. कॉमर्स इंक्लूड्स नॉट ओनली ट्रेड,
कॉमर्स सिर्फ ओनली ट्रेड को इंक्लूड नहीं करती है, सिर्फ हमें डीलिंग से मतलब नहीं है, बट ऑल्सो वेरियस अदर ऑक्सरीज और एड्स, हमें कुछ एड्स यूज़ करने होते हैं, सब्सिडरीज एक्टिविटीज़ का यूज़ करना होता है. फर्स्ट वन मिडल मैन, माल को प्रोडक्शन प्रोसेस से कस्टमर तक पहुँचाने के लिए हमें किसका यूज़ करना होता है, एक मिडल मैन का यूज़ करना होता है. देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ एनी प्रोडक्ट वाइल द कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड. क्या है, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, जो प्रोडक्शन करते हैं प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो लिमिटेड है, और एनी प्रोडक्ट वाइल द कंज्यूमर्स आर अनलिमिटेड, और जो हमारे किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड कंज्यूमर होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं. जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो माल बना रहे हैं वो तो लिमिटेड है, और जो हमारे कस्टमर हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेके वो अनलिमिटेड है. ओके, टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, हमें क्या बनाना होता है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में कॉन्टैक्ट बनाना है, तो उस चीज़ के लिए हमें किसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, मिडल मैन की, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट. मिडल मैन कंसिस्ट ऑफ होल सेलर एंड रिटेलर, मिडल मैन में हम इंक्लूड करते हैं होल सेलर को, रिटेलर को. प्रोड्यूसर टू कस्टमर, जो भी प्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक जो भी प्रोडक्शन जाएगा वो किसकी हेल्प से जाएगा, दो हमारे मीडिया यूज़ होंगे, होल सेलर एंड रिटेलर. फर्स्ट वन प्रोड्यूसर से माल खरीदेगा होल सेलर, होल सेलर से खरीदेगा रिटेलर, एंड रिटेलर से खरीदेगा कंज्यूमर. ओके, क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये हमारे जो काम को है उसको, उसके स्कोप को थोड़ा सा नैरो कर देती है, नहीं तो हमारा बहुत वाइड में काम हो जाएगा. ओके, उसको थोड़ा शॉर्ट कर देती है. नेक्स्ट वन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कॉमोडिटीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन सर्टेन स्पेसिफिक एरिया वाइल कंज्यूमर आर नॉट वेरी नियर बाय. इन अदर वर्ड्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर जियोग्राफिकली. कॉमोडिटीज आर मैन्युफैक्चरिंग सर्टेन स्पेसिफिक एरिया, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो दूर दूर होती है, कभी भी देखा होगा वो सिटी में नहीं होगी, कि एक्चुअल में फैक्ट्रीज है तो वहाँ पोल्यूशन होगा, कोई भी इंडस्ट्री है वो भी एक सेपरेट प्लेस पर लगती है, दूर दूर जगह जाके लगती है. तो स्पेसिफिक एरिया वाइल कंज्यूमर्स आर नॉट वेरी नियर बाय, तो कंज्यूमर कभी भी उसके आसपास नहीं होते. तो इन अदर वर्ड्स, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स आर फार अवे, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में दूर दूर होते हैं, उनमें काफ़ी गैप होता है, किसके कारण, जियोग्राफिकल एक स्पेस के कारण, जियोग्राफिकल एरिया के कारण, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है और कंज्यूमर कहीं और है. दिस हिंड्रेंस रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजप्शन. तो इस बैरियर को दूर करने के लिए हमने किसका यूज़ करा, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करा, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से कहाँ तक पहुँचाना, प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुँचाना. द प्रॉब्लम विच अराइजेज इज एज टू हाउ टू फाइनलाइज द डील ऑफ सेल्स एंड परचेजेस. इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, जो एक्चुअल में हमारी परचेज और सेल्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपस में एक सुटेबल वे से फाइनलाइज डील नहीं हो पाती, तो उस चीज़ को दूर करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं. दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाई कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, टेलेक्स, एक्सेट्रा. तो क्या होता है, लाइक एक हमारी ये भी प्रॉब्लम है, कस्टमर तो बहुत हैं बट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लिमिटेड है. ओके, तो उस चीज़ के लिए हमने होलसेल का यूज़ कर लिया, रिटेलर का यूज़ कर लिया. अभी कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, क्या होता है, जब भी हम माल खरीदते हैं एक्चुअल में अगर उसके बारे में सुना है तो हम उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो हमारी डीलिंग किसके थ्रू होनी चाहिए, टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर, टेलेक्स, उसके थ्रू अगर कम्युनिकेशन स्किल यूज़ होगा तो उससे भी एक डीलिंग में हेल्प होगी हमारी.